जय माँ बगलामुखी। भारतवासियों और आज ये पूरी दुनिया के लिए एक सबसे बड़ी जो समस्या है टेररिज्म, आज मैं इस पे बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से। सबसे बड़ी समस्या टेररिज्म इसलिए है क्योंकि इसने एक दहशत का माहौल पूरी दुनिया में फैला दिया है। ये आज ये सिर्फ एक इंडिया की समस्या नहीं रह गई है, यूके, यूरोप, अमेरिका, सभी जगह ये समस्या है। तो इस समस्या का एक सिंपल सा और शॉर्ट एंड स्वीट सॉल्यूशन क्या है? अगर हम लोग सोचें कि अगर हम लोग भी उनकी तरह बन जाएं और उनकी तरह लड़ाइयाँ करने लगे तो ये कोई सॉल्यूशन है क्या? नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि अगर हम लोग जितना ज़्यादा रिन्यूएबल, जो चीज़ें रिन्यूएबल होते हैं जिनको वापस से जनरेट किया जा सकता है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर जितना ज़्यादा हम लोग काम करेंगे, जैसे कौन से रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जैसे विंड पावर प्लांट हो गए, जितने सोलर पावर प्लांट हो गए, तो जो हमारी जो डिपेंडेंसी है जो कोयले पे और हमारी दूसरी चीज़ों जैसे कि ईंधन के ऊपर है, पेट्रोल के ऊपर है, जो कच्चे तेल के ऊपर है, वो हमारी जो डिपेंडेंसी है, जब हमारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक की रहेंगी, हर चीज़ इलेक्ट्रिक की होगी, तो ये जो डिपेंडेंसी ख़त्म होगी तो फंडिंग अपने आप ही टेररिज्म की ख़त्म हो जाएगी। कोई भी चीज़ हो, कोई सा भी इंसान हो, अगर उसको जो इनपुट मिल रहा है, इनपुट क्या मिल रहा है, फंडिंग मिल रही है इनको, अगर हम उस फंडिंग को अगर हम ख़त्म कर देंगे तो क्या होगा, इस धरती के ऊपर से टेररिज्म का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। यही एक तरीका है। बाकी आप लोग सोचते रहे कि आप उसको मार दें, इसको काट दें, उससे कुछ नहीं होने वाला और बढ़ेगी वो चीज़ें। आप फंडिंग पे जाइए, इनपुट ख़त्म करिए उसका, आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को जितना यूज़ करेंगे ये मान के चलिए उतना आप टेररिज्म पे इफेक्ट कर रहे हैं, और भाईचारा बनाए रखें, अपना आप सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, बहुत ही बढ़िया दुनिया होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।